बेटा कल हम लोगों ने चैप्टर नया स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैंने आपको ये समझाया था कि जेनेटिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं, मेन चीज तो ये है। तो इसमें हम लोग करते हैं बेसिकली इनहेरिटेंस की बात और वेरिएशन की बात। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में कैसे जाते हैं, उसको समझना क्या कहलाता है इनहेरिटेंस। और वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंस क्यों आते हैं, कोई वेरिएशन भी तो आते हैं। तो कल हम लोगों ने पहले से ये बात करी थी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो मैंने कहा था ऐसी साइंस जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस पढ़े या फिर वेरिएशन के बारे में पढ़े तो उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, सही। तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है बेटा पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाना, सही। क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है, यानी कि कैसे जाते हैं वो हम समझेंगे। दूसरा होता है कि वेरिएशन क्यों आते हैं, भाई आप आपके पापा से आप में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, मुझे डिफरेंस होगा, तो वो क्या होते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आते हैं, तो हम लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, इसके बाद वेरिएशन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि यहाँ के जो फादर थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स में बोलते हैं, मेंडल। मेंडल ने क्या किया, ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाई। उनने ये सोचा था, वो उस टाइम डीएनए के बारे में कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, डीएनए के बारे में पता था ना सेल की, उन्हें ये पता था कि बेसिकली उन्हें इतना पता था कि सेल होती है खाली जो फादर मदर से आती है और यहाँ पे क्या आते हैं, कैरेक्टर उसी में आते हैं। ये तो पता है इसका होता है एक फादर का और एक किसका होता है, मदर का होता है। लेकिन अभी उन्हें इसके बारे में नहीं थी कि जीन क्या होता है, उन्हें ये पता था कि क्रोमोसोम होते हैं, सही। क्रोमोसोम आते हैं, लेकिन क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, मैंने आपको बताया डीएनए से, और डीएनए के सेगमेंट को ही क्या बोलते हैं, जीन। तो हमने कल इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा था। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मेंडल थे, सही है, उनने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उनके जो एक्सपेरिमेंट उस टाइम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वो नहीं हो पाए, मतलब हम बोल सकते हैं कि उन्हें कोई उपलब्धि मिली हो, कुछ नहीं मिली थी, ठीक है। उस टाइम क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि उस टाइम कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, किसकी, यानी कि हम बोल सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट की, मतलब एक कोई नहीं प्रचार की, बहुत सारी चीजें नहीं थी पहले, ऐसा नहीं था कि मैक वाले आ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, टीवी वाले आ रहे हैं वो बता रहे हैं कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब वो एक्सपायर हो गए तो उसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने उनकी डिस्कवरी देखी, तो उन्हें पता लगा कि ये सब जेनेटिक बहुत चीज है। इनने बेटा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बायोलॉजी मैथमेटिकल का यूज किया था और हमने ये सब चीजें पढ़ ली थी। इसके बाद तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस पर किया था गार्डन फीवर, इस पर किया था गार्डन फीवर किया था। मैंने कल बताया था उसका नाम क्या होता है, उन्हें मटर का प्लांट लिया क्यों था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि आपको पता था बेटा कि इसलिए लिया था क्योंकि वो आसानी से योग आ जाती गई थी, सेकंड उसका लाइफ स्टाइल बहुत कम होती है और मेन जो चीज थी वो थी उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत थे। भाई उन्हें कितने लिए थे, सेवन पे कितने लिए थे, सेवन। कौन कौन से लिए थे आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सेवन का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे उन्होंने। जो मटर के प्लांट में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि अगर एक केस डोमिनेंट है दूसरा कैसा होगा, डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस क्या होता है, देखो अगर मान लिया कोई डोमिनेंट केस है तो जो प्रभावी है, हिंदी बोले तो क्या बोल सकते हैं, प्रभावी, जो उस टाइम दिख रहा है सो हो रहा है वो कौन सा होता है, डोमिनेंट, और उसका उल्टा क्या होता है, रिसेसिव, सही है, जो छुपा हुआ कैरेक्टर है। जैसे मैंने कहा था कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमेशा किसमें होते हैं, अगर तुम किसी चीज की हाइट दे रहे हो तो हाइट क्यों ले रहे हो, क्योंकि वो पेयर में है, एक अगर टॉल होगा तो एक क्या होगा, डॉर्फ होगा, कि अगर सारे टॉल होते तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बनता क्या, नहीं बनता, क्योंकि सारे टॉल थे तुम डिफरेंस बता नहीं पाते। तो मैंने कहा था कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने कौन कौन से लिए थे, जैसे इस टाइम हाइट थी, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, और इसके बाद एक दो बन गए थे पॉड शेप और पॉड कलर। बेटा आपको इनके डोमिनेंट और इनसे पता है, जैसे मैंने आपको बताया था सीड शेप तो डोमिनेंट में क्या किया था, राउंड किया था, राउंड और रिंकल्ड, रिंकल्ड किया था। इसके बाद अगर हम सीड कलर की बात करें डोमिनेंट के लिए था येलो, ये उधर के लिए था ग्रीन, ग्रीन किया था। अगर पॉड शेप की बात करें तो फुल और कंट्रास्ट, अगर हम पॉड कलर की बात करें तो ग्रीन और येलो हो गया था। इसके बाद फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट और व्हाइट किया था। इसके बाद अगर हम इस टाइम हाइट की बात करें तो टॉल और पता है आपको इतना, अगर आपको डोमिनेंट और रिसेसिव पता है तो आप लोग इतना क्लियर है आपको। इसके बाद मैंने आपको कल पढ़ाया था मोनोहेरिटोस जिसे बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, उन्होंने एक कैरेक्टर को लेके क्या कर एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें देखा कि क्या क्या हमें मिल रहा है,
जैसे मैं देखो मैंने आपसे कहा था कि वो पहले तो उन्होंने प्योर पेरेंटल जनरेशन दी थी। प्योर का मतलब होता है कि अगर कोई डॉर है तो उसके एलिन भी कैसे होंगे, टीटी कैपिटल कैपिटल होंगे यानी प्योर वाले, और अगर कोई ड्वार्फ है तो ड्वार्फ होंगे। एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, फिर हम लोग बोले बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था देखो अगर पेरेंटल जनरेशन है कौन जनरेशन बेटा, पेरेंटल जनरेशन तो फैकल्टी कैपिटल लिया, इधर क्या लिया स्मॉल टी स्मॉल टी लिया, क्योंकि इनने क्या लिया था या तो टॉल लिया था या क्या लिया था ड्वार्फ, एक तरफ टॉल एक तरफ ड्वार्फ। मैंने कहा था इसके इसके बाद क्या बनाते हैं बेटा, गैमेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं गैमेट, तो गैमेट बनाओगे एक ही बन जाएगा, एक बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी, क्योंकि आपको पता है एक जीन के कितने एलील होते हैं, दो एलील होते हैं। तो जो गैमेट गैमेट बनते हैं तो हमेशा वन सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है, तो एक एक एलील आता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं इनको अलग कर लेते हैं। इनके बीच हम लोग क्या कराएंगे क्रॉस कराएंगे, तो बेटा जो एफ1 जनरेशन थी उसमें हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली थी, मिली थी। ये कैसी कंडीशन है अब ये मतलब हमने चार को नहीं बनाया बेटा, वो एक ही समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कंडीशन कौन सी मिली थी हमें हेटेरोजाइगस, और ये प्लांट कैसे थे सारे टॉल कैसे थे टॉल, क्योंकि मैंने कहा था हमेशा डोमिनेंस के जो डोमिनेंट में लेते हैं वो हमेशा क्या करता है शो करता है अपना कैरेक्टर शो करता है, तो यहां पे जो कैपिटल डी है स्मॉल डी है, तो ये वैसे प्लांट कैसा होगा बताओ, टॉल नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए टॉल और बॉनी के बीच का होना चाहिए, लेकिन हमेशा यहाँ पे कैपिटल डी क्या रहता है डोमिनेंट रहता है, तो इसीलिए प्लांट कैसा होगा टॉल होगा। लेकिन अगर इसका जियोटाइप देखोगे तो देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, लेकिन आपको दिखेगा कैसा प्लांट है टॉल। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज होती है, ये एफ1 जनरेशन है, यहाँ पे कंफ्यूज क्या हुए थे, इन्हें देखा कि यहाँ पे हमें सारे प्लांट टॉल मिले लेकिन ड्वार्फ वाला कैरेक्टर कहाँ गया, हर किसी के मन में आएगा कि हमने जब टॉल और ड्वार्फ के बीच क्रॉस करवाया तो सारे प्लांट टॉल क्यों मिले, ठीक है। तो इन्हें क्या किया फिर इसके लिए सेल्फिंग करवाई, क्या करवाई सेल्फिंग सेल्फिंग करवाई बेटा, तो आप लोग करोगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट बना लो इधर भी बना लो, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या क्या मिला था, एक मिला था कैपिटल टी एक मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी और एक मिला था स्मॉल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया द्वार वाला एफ जनरेशन में, तो ये कौन सा जनरेशन थी एफ, समझ गए आपको। यहाँ पे जो रेशियो आया था बेटा जो फीनोटाइपिक था वो क्या था 3:1 और जीनोटाइपिक था 1:2:1, क्लियर है इतना। कल मैंने आपको ये डिटेल में समझाया था, तो आज मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया, ठीक है। फीनोटाइपिक का मतलब क्या होता है, जो हम लोग बाहर से देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आपको तीन प्लांट कैसे देखेंगे टॉल देखेंगे, ये भी टॉल ये भी टॉल ये भी टॉल, और ये वाला कैसे देखेंगे द्वार देखेगा। लेकिन अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो देखो ये अलग है, ये दोनों अलग है और ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे प्योर टॉल है, ये टॉल तो है लेकिन प्योर टॉल नहीं है, और ये कैसा होगा ड्वार्फ होगा। अगर जीनोटाइप देखें तो, और फीनोटाइप देखेंगे तो तीनों कैसे होंगे टॉल होंगे, ये कैसा होगा ड्वार्फ। पहले ये बताओ आप लोगों को बेटा मोनो हेटेरोक्रॉस क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। अब देखो अब अगले थोड़ी सी मैं समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद दिखाऊंगा ये बेटा, ये तो हम लोगों का पहले फॉरवर्ड देखा लिखवा दो बेटा। जेनेटिक्स में आप लोग मेहनत से पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सी आते हैं, इन दो ही चैप्टर से आते हैं 10 क्वेश्चन, सही है। तो इसीलिए आप लोग मेहनत करो, मतलब 10 तो 8 क्वेश्चन तो आने आने हैं यहाँ पे, इससे मॉलिकुलर से और इस वाले से, इन दोनों चैप्टर से। अब देखो सेकंड चीज समझते हैं लोग बेटा, एक बार बताओ ये जो इनने मोनो हेटेरोड लॉ दिया था, तो इसके बाद इन्हें लॉ दिया था, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, मैंने बेटा ये लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है, जब इन्हें मोनो हेटेरोड लॉ दिया था उसके बाद ये लॉ दिया था, कौन सा लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन्हें ये बताया था कि अगर कैपिटल डी है कौन सा डी है कैपिटल डी और ये क्या है स्मॉल डी है, तो ये हमेशा अपनी डोमिनेंस इसके ऊपर क्या करेगा शो करेगा, मतलब ये प्लांट हमेशा कैसा होगा टॉल होगा, ये ड्वार्फ नहीं होगा। जैसे अगर मान लिया हम दूसरा कैसे लेते हैं, अगर रेड फ्लावर है कोई और ये इधर क्या है व्हाइट है, ठीक है सपोज मानो, तो यहाँ पे अगर कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तो वो कैसा होगा रेड फ्लावर, कैसा होगा रेड, अगर वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता होगा तो समझ गए आपको ये बात, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में आता है सब। इसके बाद बेटा इसके एक्सेप्शन एक्सेप्शन भी केस में लेते हैं, एक्सेप्शन का मतलब है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहे, बहुत सारे केस ऐसे, जैसे आप लोग पहला लॉ पढ़ोगे एक ही पढ़ोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या पढ़ोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसके बाद दूसरा पढ़ोगे कोडोमिनेंस, क्या पढ़ोगे कोडोमिनेंस, ये बेटा इसके क्या है एक्सेप्शन, किसके लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हम लोग आज ये तीन चीजें पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके बाद कोडोमिनेंस। देखो
इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये था कि अगर कैपिटल डी फॉन्ट ही है तो वहां पे टोन नहीं हो रहा था, वो कुछ और बन रहा था, इसका मतलब क्या होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, डोमिनेंस होनी हो रही पूरी तरीके से। और अगर फुल डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि दोनों एलील अपना कैरेक्टर शो करते हैं, तो ये इससे क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। तो इसको क्रॉस को देख के इन्हें लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, क्लियर हुआ। तो हम लोग पहले जहां पे थे कल बात ठीक है, कंप्लीट करते हैं पहले, लेकिन बेटा कहां पे जाएंगे, अरे जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद एक और लिखवा दी, उसके बाद बेटा नेक्स्ट लिखना, देखो जीन्स, इसके अगले पॉइंट लिखो, देखो जीन्स कल हम लोग लिख रहे थे, उसके अगले पॉइंट लिखो, ठीक है। देखो जीन्स which code for a pair of contrasting traits, trait का मतलब character, जो character influence होता है, contrasting traits are known as allele, contrasting traits जो क्या करते हैं किसी भी कैरेक्टर को या ट्रेट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो व्हेन द टॉल एंड ड्वार्फ, प्लांट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूसिस। आपको पता है, गैमेट का भी प्रोडक्शन होता है, क्या होता है बेटा वहां पे, म्यूसिस, सही, बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूसिस। इसके बाद देखो द एलील्स, एलील का मतलब आप समझ रहे हो, जो मैं कैपिटल डी कैपिटल डी लिख रहा हूं बार बार, ये क्या है एलील, ठीक। तो देखो द एलील्स ऑफ द पेरेंटल पेयर ऑफ द पेरेंटल पेयर सेपरेट। इसको बेटा एक नाम से बोलते हैं सेग्रीगेट, क्या बोलते हैं सेग्रीगेट, तो और सेग्रीगेट, सेपरेट और सेग्रीगेट, और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, क्लियर। And only one allele is transmitted to a gamete. यानी कि बेटा गैमेट में क्या होता है, दो एलील होते हैं, उसमें से एक ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो क्या बताते हैं सेपरेट। जैसे मैं बेटा एक बताओ, मैं तभी तो कहता हूँ बेटा देखो, अगर मान लिया कैपिटल डी लिया मैंने, एक तरफ ये स्मॉल डी, तभी मतलब गैमेट बनाओ, तो गैमेट का मतलब मैं क्या करता हूँ, ये तो करता हूँ ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इधर स्मॉल डी स्मॉल डी, अब ये बन गए। अब देखो इसका एक बार इन दोनों से कराऊंगा क्रॉस, और इसका एक बार इन दोनों से कराऊंगा, तभी तो होगा, वरना अगर मैं ऐसे भी तो कर सकता गया। लेकिन बेटा क्या होता है, एरी हमेशा क्या होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेपरेट हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, और इसका हम एक लॉ पढ़ेंगे, इसका जिसको मेंडल ने दिया था, मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें ये बताया था कि गैमेट फॉर्मेशन टाइम क्या होते हैं, एरी क्या बोलते हैं सेपरेट। अब वो आपको समझ सकते हो, गैमेट का फॉर्मेशन म्यूसिस से होता है, किससे होता है, म्यूसिस से। और आपको ये भी बताया गया क्रोमोसोम की बात करें, एरी की बात ना करें, सही है। तो आप लोग सेल साइकिल पढ़ चुके हो, तो आपको पता है, मैंने कहा था
कभी भी ध्यान रखना बेटा, अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम है तो आपको 46 बोला करो, आप तो बोला करो 23 पेयर, क्या बोला करो 23 पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, 46 बोलोगे गलत होगा, ठीक है पहली बात। और सेकंड बेटा जब मैंने कहा था हैप्लॉइड सेल बनती है तो कभी ऐसा नहीं होता कि 46 क्रोमोसोम के 23 आ गए, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि 23 पेयर होते हैं, उस पेयर का एक एक क्रोमोसोम आता है 23 पेयर में से, सही है हैप्लॉइड सेल में, और 23 उधर 23 पेयर में से एक क्रोमोसोम किसका आता है हैप्लॉइड सेल में, तो पेयर में से एक ही आता है ना कि आधे आ गए, जैसे ऐसा नहीं कि 46 हैं तो उसमें से आधे आ गए, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि गैमेट, जब गैमेट बनते हैं तो क्या होता है ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है अलग। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये अभी आपका काफी बेसिक चल रहा है, और आपको जेनेटिक्स में मेन होता है टर्मिनोलॉजी, आपको वो चीजें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एलील क्या होता है, जीन क्या होते हैं, ठीक है, या क्रोमोसोम क्या है, तो आपको बताइए अच्छे से, इसके बाद और सब चीजें, ठीक है ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए बेटा मैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू एलील्स आर फ्यूज मतलब आपस में मिलती फ्यूज टू प्रोड्यूस जाइगोट क्या बनता है बेटा जाइगोट बनता है, ठीक है, तो दोनों एलील मिलके क्या बनाते हैं जाइगोट, यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, अब आप लोग ऐसा करो छोटा सा डालो, जीनोटाइप क्या होता है वो समझ लेंगे, ठीक है सब बातें जीनोटाइप, तो मैंने कहा था जीनोटाइप का मतलब होता है अंदर की बात, यानी कि अंदर मतलब जीन्स की बात, और जीनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल, तो आप लोग देखो जीनोटाइप में देखो जीन एक्सप्रेशन ऑन द क्रोमोसोम और जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जीनोटाइप। भाई डीएनए का सीक्वेंस या डीएनए को लेके हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी होगी जीनोटाइप की, और हम लोग जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन देखते हैं वो क्या होता है देखो एक तो होगा कैपिटल आर कैपिटल आर, अगर आर आर ले रहे हैं कैपिटल टी ले लो, कुछ कुछ ले लो, चलो टी ले रहे, तो एक तो होगा कैपिटल टी कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी और एक होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, सही है। तो आप लोग एग्जाम्पल के लिए एक लोगों कैपिटल टी एक लोगों स्मॉल टी एक लोगों कैपिटल टी, ये कंडीशन कौन सी होगी, होम हो जाएगा, कौन सी होगी बेटा होम हो जाएगा, और ये कौन सी होगी बेटा एक बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन को नील में कैसे ही बोल सकता है, ऐसे बोल सकता है कि बताओ मोनोहाइड्रोफ्लोरेस में एल्बम जनरेशन थी वो होम हो जाएगा थी या हेटरोजाइगस थी, तो कैसी थी हेटरोजाइगस, सभी तो हमें सभी प्लांट कैसे मिले थे टॉल मिले थे, अरे ये तो अपने आप सकते हो, ये देखता क्या था कैसे अच्छा क्लास लेबर देखेगा रात में, यहाँ पे कॉम्पिटिशन आज कौन सा हो रहा है क्या बता रहे थे, सोलो डांस इसने लिया हमने लिया किसने पार्टिसिपेट किया सर, इंटर तक के बच्चे आए, वही तो मैं आपसे कह रही थी, मेरी फ्रेंड ने पता किया पर इससे फ्रेंड तक के बच्चे बताए, मैं छोटे बच्चों को बोला उन्हें इनाम भी मिलेगा आपको, नहीं यार कैसे कोई पार्टिसिपेट अच्छा, अब वो कब हो रहा है वो, अरे यार मैं क्या बोलूं, अरे वो नहीं गिरा हूँ, तुम समझ रहे हो, मैं कुछ और
अरे अच्छा दो का होगा प्रिंसिपल कुछ कहना चाह रहा है क्या कह रहा है बात उसके लिए पूछ रहे सर तुम मतलब क्या ये प्रिंसिपल का है ये बाहर से लगता है सीधा लेकिन अंदर से बातें बहुत खराब निकलता है सही है तो हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप में रेशियो बताओ फेनोटाइप रेशियो बताओ तो यही बात होती है जीनोटाइप में मतलब अंदर की बात फेनोटाइप में मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है एरिया और क्या लिखा कॉल्ड फेनोटाइप एरिया तो बेटा ये बताओ आप तो छोटी छोटी बात समझ गए नॉर्मल बात समझ गए इसके बाद हम लोगों ने कि एरिया क्या होता है जीनोटाइप क्या होता है फेनोटाइप क्या होता है कल मैंने आपको मोनोहाइब्रिड फिलॉसफी समझा दिया अब आपको मिलेंगे चलो बेटा एक अब बात देखो मैंने कल आपको मोनोहाइब्रिड फ्लॉसफी बताया था वो आपको सारा पता है आपको पता है जियोटाइप रेशियो क्या होता है जियोटाइप रेशियो पता है ठीक है जियोटाइप रेशियो क्या था 1.1 जियोटाइप क्या था 3:1 अब एक बार बताओ अगर मैं टेस्ट क्रॉस करना चाहूं क्या करना चाहूं टेस्ट क्रॉस कि ये सही है मैंने जो किया या नहीं किया तो कैसे करते हैं तो आप छोड़ा रहेगा तो टेस्ट क्रॉस ये समझा दे रहा हूँ कि सिलेबस में है नहीं टेस्ट क्रॉस करना दे रहा हूँ क्या होता है ठीक है सिलेबस मतलब थोड़ा सा बाहर सा है ये देखो ये क्या है समझो जैसे आपने कैपिटल टी लिया था ये समझ लो क्या देखते हो और एक तरफ लेते हैं स्मॉल टी ये क्या थी पैरेंट जनरेशन थी क्या थी पैरेंट तो बेटा ये कौन सी जनरेशन है पैरेंट अब इसके गैमेट बनाओगे क्या बनाओगे गैमेट बनाओगे तो हमेशा क्या होंगे ये सेगमेंट बनेंगे एक तरफ कैपिटल टी एक कैपिटल टी और इधर क्या आ जाएगा स्मॉल टी ए बात करो अब देखो इधर देखो यहां से क्रॉस कराओगे इनकी तो आपको क्या मिलेगा बताओ डायरेक्ट देखो ऐसे क्या मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी ये तो मिलेगा लेकिन अगर आप क्रॉस करो तो एक बार इसका इससे करवाया तो क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी एक बार इसका जो पैरेंट नहीं था उसी से क्रॉस करवा अगर रेशियो वन रेशियो वन आया उसका मतलब क्रॉस तुम्हारा पहला वाला था वो क्या था देखो अब यहाँ पे कोई सेल्फी नहीं करवानी तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे देखो तुम्हें कौन सा कैसे मिल रहा है
बेटा देखो अब यहाँ पे देखो ये वाला प्लांट कैसा है, टॉल है और ये कैसा है, इसमें आ गया वन एच वन, इसका मतलब तुम्हारा बनाना क्लोज क्या था, सही सही, क्योंकि यहाँ पे द्वारा मिल गया तुम्हें और क्या मिल गया टॉल, क्लियर हुआ बेटा। तो ये क्या होता है टेस्ट टॉल, इसे यहाँ पे रेशियो क्या आप बताइए, वन रेशियो वन, तो ये आप बता दो टेस्ट टॉल का क्या है। नहीं जानो मत बेटा, ये है देखो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय
अच्छा इनने जीन्स को मेंडल ने क्या बोला था फैक्टर, पता है आपको जीन्स को क्या बोला था मेंडल ने फैक्टर। तो देखो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, इन्हें जीन्स को ही बोला था फैक्टर, ध्यान रखो देख लिया। इसके बाद देखो फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, नेक्स्ट पॉइंट फैक्टर्स अकर्स इन पेयर किसमें होते हैं पेयर में, नेक्स्ट देखो नंबर थर्ड देखो इन अ डिसिमिलर पेयर, इन अ डिसिमिलर पेयर, बेटा डिसिमिलर का मतलब क्या है हेटेरोजाइगस कंडीशन, कैपिटल डी स्मॉल डी। तो देखो इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट, मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट देख लिया। इसके बाद देखो द अदर रिसेसिव, द अदर रिसेसिव बेटा ये समझ गए आप लोग। तो मैंने कहा दोनों में से अगर एक कैरेक्टर के एक क्या होगा फैक्टर डोमिनेंस फिर शो करेगा, दूसरा क्या करेगा रिसेसिव। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, देखो द लॉ ऑफ डोमिनेंस, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द एफ वन, इन द एफ वन। देखो अभी तक ये बोल रहा है ये कह रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस को सबसे अच्छा हम किससे कब समझ सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वहां पे हमने देखा एफ वन जनरेशन थी तो हमें किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर दिख रहा था, वरना कितने का दिखता दोनों का, आप बताओ कैपिटल डी स्मॉल डी आएगा। तो मैंने साफ साफ क्या बताया था आपको ये प्लांट कैसे हैं टॉल कैसे हैं, क्योंकि वहां पे एक पेरेंट का दिखता था, वरना कितने का दिखता दोनों का दिखता अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता तो, समझ गए आप लोग। तो किस किस का दिख रहा था F1 में ओनली एक का कैरेक्टर दिख रहा था तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। इसके बाद देखना इसी में देखना देखो एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2, यानी कि जो F2 जनरेशन थी उसमें दोनों कैरेक्टर दिख रहे थे मेल के भी और फीमेल के भी, टॉल भी और ड्वार्फ भी। तो ये सबसे अच्छा क्या कर रहा है एक्सप्रेशन कर रहा है किसको लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्लियर है इतना सही है बेटा इतना क्लियर हुआ आपको। तो आप लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ गए, समझ गए। अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो आप लोग एग्जांपल के लिए लिख लो कैपिटल टी स्मॉल टी और उसके अगले एरो नाउ लिख लो टॉल, सही इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी इसके बाद लिखो एरो नाउ टॉल, समझ जाओगे ना ऐसे कर दो ये बरसात को पिज्जा खा के नहीं है पिज्जा खा तुम्हारे मुंह पे लगाए ऐसे क्यों मत बोल बोलिए तुम पार्टी में नहीं आ रही हो। तो देखो मैंने क्या लगा मुझे किसने बताया आप बताओ मुझे नहीं बताया इसने बताया नहीं बताया इसने किसी ने बताया अरे साइड में छोड़ते रहे क्या मैंने मेरा भी बहुत तेज है बता दी ना दादी पार्टी में सारी ने बताया तो तेज है सही है तुम पार्टी खाई नहीं बताओ पिज्जा खाया नहीं खाया देखो और बता दी और क्या खाया और बताइए अब मैंने इतना जमा कराया ना और मैं रहा हूँ मैं पिज्जा और क्या जमा कराया क्या क्या तो कॉमन सी चीज है कोई भी खाता है अरे तुम बताओ मैंने पिज्जा आज खाया नहीं खाया मुझे तो फिर तो तुम तो मैंने बता दिया ना
मैंने बिना कुछ ऐसी बिना कुछ ऐसी कर दिया कि मैं कुछ जगह ऐसे मुझे चलो इतना तुक्का चल सकता है अभी मैं किसी वजह से क्यों निकाल पार्टी में खाए ठीक है बेटा आपको ये लिखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है बताओ अगर मैंने कहा था जब भी गैमेट का प्रोडक्शन होता है अगर पेयर ऑफ क्या है एलील है और गैमेट का प्रोडक्शन होता है तो एलील क्या रहता है सेगरी है उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेगरी तो देखो ये लिखोगे क्या लिखो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लिखो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द This law is based on the fact that the alleles do not show. This law is based on the fact that the alleles do not show any blending. The parents contain two alleles. TWO two alleles. Yeah. Two alleles during gamete formation. The allele of a pair segregate. The allele of a pair segregate from each other. बेटा एक बार बताओ अगर होमोजाइगस कंडीशन है कौन सी कंडीशन होमोजाइगस तो बताओ दोनों जो एलील होंगे यानी कि दोनों गैमेट बनेंगे वो सेम ही बनेंगे और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो अब ये बात देखने वाली तो नहीं है नहीं नहीं अगर होमोजाइगस कंडीशन तो दोनों कैपिटल टी होंगे या तो स्मॉल टी स्मॉल टी होंगे तो सेम ही होंगे और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो अलग अलग होंगे सही है रहेगा इतना ही अब बेटा देखो थोड़ा समझ लो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड पढ़ाया इसके बाद टेस्ट्रोस पढ़ाया इसके बाद मैंने दो लॉ दिए मैंने कौन से लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अब हम लोग पढ़ेंगे इनके एक्सेप्शन तो आप लोग हैरी डबल एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस ऐसे निकाल लो एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस ठीक है ऐसे किताब में लिखा नहीं है मैं देखा जा रहा हूँ आपको पढ़ते हुए अच्छा लगेगा एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस इसका मतलब क्या हुआ ऐसे ही लिखवा अब पढ़ेंगे हम लोग जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रही अपवाद एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस सही है चलो देखो इसमें पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉ ऑफ पहला पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या पढ़ेंगे पहला कौन सा पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस अब यहाँ पे समझो मेंडल ने देखा एक प्लांट था जिसका नाम पता है क्या है स्नैप ड्रैगन क्या है स्नैप ड्रैगन बोलते हैं डॉग फ्लावर
क्या बोलते हैं डॉग फ्लावर, उसमें दो टाइप के फ्लावर आते हैं, एक आते हैं रेड एक आते हैं व्हाइट, कैसे आते हैं रेड और व्हाइट। पहले आप लोग इनका डोमिनेंट समझ लो, उसके बाद हम लोग थ्योरी की लिखेंगे, फिर ये लिखना ठीक है। अभी लिखना मत भूलिए बेटा, इनका डोमिनेंट क्या होता है। पहली बात तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये लॉन्ग डोमिनेंट क्या नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है समझ लो। यहां पे क्या था, देखो कुछ फ्लावर कैसे होते हैं रेड होते हैं और कुछ कैसे होते हैं व्हाइट, इनमें रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट का क्या करा है क्रॉस करा है, सही है। तो यहां पे बताओ पेरेंटल जनरेशन लेंगे, ये क्या लेंगे, तो यहां पे कैपिटल आर कैपिटल आर आएगा, यस सर, इधर देखो बेटा, और इधर इसमें क्या आएगा स्मॉल आर, यही तो आएगा। अब इसके क्या बनाएंगे गैमेट्स, क्या बनाएंगे गैमेट्स, तो इसके बाद गैमेट बनाते हैं, गैमेट बनाओगे तो एक आएगा कैपिटल आर और कैपिटल आर, और इधर क्या आएगा स्मॉल आर स्मॉल आर, ये आ गया। अब इसे क्रॉस कराओगे, क्या कराओगे क्रॉस, तो बताओ क्या आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर क्योंकि वहाँ पे हेटेरोजाइनस कंडीशन टॉल था प्लांट सारे, तो यहाँ पे कैसे होते रेड होते ना, क्योंकि ये कैसे अब देखो एप्पल जनरेशन में कैसे होते रेड होते, अब देखो लेकिन ये रेड नहीं थे कैसे थे पिंक, पिंक थे, इसीलिए तो हम इसको बोल रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सही है। अब समझो इसके बाद, अब इन्हें सोचा कि ना तो रेड मिला है या ना तो व्हाइट मिला है, ये तो अलग कंडीशन हो गई, तो इन्हें क्या करा इनके लिए फिर सेल्फिंग कराई, क्या करा भाई सेल्फिंग, तो इन्हें इनके लिए सेल्फिंग कराई, और सेल्फिंग कराई तो इन्हें एक तरफ ये कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तरफ ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके क्या है इसके एक क्या बनाओ गैमेट बनाओ, तो ये तो बनेंगे ये तो बन गए। अब देखो इसके बीच क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा बेटा कैपिटल आर कैपिटल, इसका कराओगे तो क्या आएगा इसका कराओगे तो क्या आएगा स्मॉल आर, पहले से बात करते हैं और स्मॉल आर ये आ गया। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखो ये हमारा पावर कैसा होगा रेड रेड होगा, देखने से बता रहा हूँ टाइम बता रहा हूँ टाइम बता रहा हूँ, ये वाला कैसे होंगे पिंक होंगे, और बेटा ये वाले कैसे होंगे व्हाइट, तो इसका मतलब इसका जीरो टाइप भी वन टू वन होता है और इसका जीरो टाइप भी क्या होता है वन टू वन, तो खाली रेशियो चेंज टू होगा, तो यहाँ पे ये कैसे हो जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, समझ गए आप लोग। तो बेटा इसके बाद आप लोग जीरो टाइप रेशियो में होगा, बेटा भी यहाँ पे जीरो टाइप रेशियो की बात करें तो क्या आएगा वन टू वन, अगर जीरो टाइप रेशियो होगा तो क्या आएगा, ठीक है क्लियर हुआ क्लियर हुआ। तो ये क्या था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो पहले आपको पॉइंट देखो फिर इसके बाद ही लिखना, अभी मैंने पूछ रहा देखो पहले पॉइंट देखो एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर दिया, देखो इट इज द फिनोमेना, इसमें देखो इट इज द फिनोमेना, इट इज द फिनोमेना वेयर वन एलील इज फिनोमेना वेयर वन एलील इज वन एलील इज इनकम्प्लीटली इनकम्प्लीटली डोमिनेंट इनकम्प्लीटली डोमिनेंट इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर मेंबर ओवर द अदर ऐसे लिख लो ओवर द अदर एलील ओवर द अदर एलील, यानी कि पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हुआ, तभी तो यहाँ पिंक कलर बना ना, तो रेड बना ना ही व्हाइट बना, क्लियर ओवर द अदर एलील, क्लियर नेक्स्ट पॉइंट देखो ये हुआ किसमें, तो आप लोग एग्जांपल लिख लो डॉग फ्लावर डॉग फ्लावर किसमें देखा गया, तो देखो डॉग फ्लावर हिंदी में तो कुत्ता फ्लावर देखा है, ये इसको बोलते हैं स्नैप ड्रैगन, क्या बोलते हैं स्नैप ड्रैगन। और बेटा इसके बाद ये वाला जो ये है ये
वो लिख दो सर, ये लिखो हां सिंगल प्रोनाउंस का एक हो है देखो सर ये कौन कहां पा जाते हैं, ये कौन कहां पा जाते हैं are the same.
आर द सेम। मुझे लगा कुछ अच्छा लिखा आर द सेम इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट ओरिजिन्स। आर द सेम इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट ओरिजिन्स। तो बेटा आप लोग इनकम्प्लीट ओरिजिन का मतलब क्या होता है? बेटा इसके बाद मैंने दूसरा कौन सा बताया था बताओ? चलो एक कोडोमी जमीन बन दिया। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है देखो आपको बताया ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप बुक पेरेंट्स वन और पेरेंट्स टू मतलब माता और पिता ठीक है। दोनों के क्या होते हैं? एरिल होते हैं। अगर आई ए बी कैसा कैसा दोनों एरिल अपना करते हैं ठीक है। अगर किसी के पास ए और बी है तो इसका मतलब उसका बच्चे का क्या होगा? ए बी। तो भाई ये समझते हैं बुक किसका केस है? कोड ऑफ एरिल। तो आप लेना पहले पॉइंट को समझो। देखो वेयर द बोथ एरिल where the both allele of a gene so so where the both allele of a gene of a gene so SHSO so their character at a time character at a time जो इनकम्प्लीट होता है उसमें दोनों एरे का कैरेक्टर मिक्स हो जाता है और मिक्स के फिल्टर चेंज हो जाता है। सही है। यहाँ पे क्या होता है दोनों का कैरेक्टर मिक्स नहीं होता सेपरेट रहता है लेकिन कोई दूसरा फिल्टर आता है ठीक है। और वहां पे दोनों का ही मिला के आता है। समझ गए आप लोग? तो आप लोग अगर ना बताओ तो लिखोगे क्या बात? नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखो। नोट करके नोट पांच देखो नोट देखो इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो नोट करके इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस न्यू फीनोटाइप फॉर्म कैसे आप लोग बताओ कैसे? क्योंकि बेटा रेड और व्हाइट था लेकिन बना कौन सा बना था? पिंक बना था ठीक है। तो देखो न्यू फीनोटाइप फॉर्म ड्यू टू मिक्स्ड इफेक्ट ऑफ बोथ एलील। देख लिया? इसके बाद देखो बट इन द कोडोमिनेंस न्यू फीनोटाइप फॉर्म्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ both allele at R time। ठीक है? तो वहां पे कोई तीसरा फीनोटाइप बना था दोनों को मिक्सअप होके और यहाँ पे क्या बन रहा है? सेपरेट बन रहा है लेकिन दोनों का कैरेक्टर हो रहा है। समझ गए आप लोग? चलो नेक्स्ट। अच्छा कोडोमिनेंस में देखा था उसमें किसमें देखा था? ए बी और ब्लड ग्रुप में। तो आप नेक्स्ट पॉइंट देखो बी ऑब्जर्व डब्ल्यू बी ऑब्जर्व
बी ऑब्जर्व ऑफ कोडोमिनेंस ऑफ कोडोमिनेंस बैठे बैठे ऐसे बातें करते रहते हैं ऑफ कोडोमिनेंस इन द इन द पहले बोल रहे थे एक घंटा को देखने में लगेगा इन द एबीओ ब्लड ग्रुप में इन द एबीओ ब्लड ग्रुप में इन द एबीओ ब्लड ग्रुप में इन ह्यूमन बीइंग्स ठीक है आपको आपको रामायण पढ़ते हो रामायण नहीं पढ़ते नहीं कौन पढ़ने तो आप लोग एक घंटा पढ़ते तो आपको ऐसा लगता है यार को पढ़ने में नहीं नहीं मैं पूरी रात पूरी रात पढ़ेंगे ये तो अच्छा कर के चलो होगा बैच में लगता है एक घंटे पढ़ने के बाद सोचते हैं कि आप आप उठ जाएं नहीं तो मजा आता है पढ़ने में पढ़ा लो मैं ये कहने आ रहा हूँ मैं ये कहने आ रहा हूँ कि मेरे मुंह से कोई प्रॉब्लम से लगता है ना थोड़ा सा तो ये हाथ हाथ में रखती है बढ़ता मैं कहता हूँ बेटा मैं पता है कम से कम चार घंटा बोलता हूँ लगातार और पढ़ ले चार पाँच घंटे बताते हैं ना पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ और इतनी तेज बोलना पड़ता है लगातार तो उसके लिए एक थोड़ा सा वो हो जाता है ना कभी कभी और और आपको रामायण पढ़ते हो एक दिन पढ़ते खाली रोज सुनना पढ़ते हो और फिर एक चार घंटा आप बोलो तो आपको पता है कितना एनर्जी लॉस होता है बहुत एनर्जी लॉस होता है आपको पता नहीं ये मेंटली वर्क होता है फिजिकली नहीं होता सही है लेकिन इसमें भी एनर्जी लॉस होती है तो इसीलिए क्या होता है चलो यहाँ देखो हमारा ए बी रोड लिख लिया समझ गया आपको एक देखो तो जो कोडोमिनेंस का केस देखा था वो किसमें देखा था ए बी ओ ब्लड ग्रुप में अब कुछ पॉइंट होता है चले The information of blood group known as I gene. क्या बोलते हैं बेटा उसको आई जीन आई जीन का तो उसका जो एन ब्लड ग्रुप का वो क्यों करता है उसके बोलते हैं आई जीन समझ गए आप लोग सही है अरे वो चैप्टर मार दिया हाँ स्मॉल होता है कैप्टन नहीं होता है अरे कैप्टन आगे था लिखा हुआ नंबर तो कैप्टन नाम है स्मॉल नाम है कैप्टन ही मार रहा है पता चल जाएगा मैं तो स्मॉल मार रहा हूँ मैं स्मॉल मार रहा हूँ चलो सही थी हाँ कैप्टन नाम है देख लिया आई थी अच्छा आई का मतलब आपको क्या होता है आई का मतलब पता है तुम्हें बताओ आई का मतलब क्या है आई जो ब्लूप्रिंट में है तो ब्रैकेट में कम भी कॉल आ रही है ब्रैकेट में ना स्किप आई को आई एस ओ जी एल यू टी आई ओ एन जी ई एन फिर वो मिस करेगा आई एस ओ ए सांतो आई एस ओ जी एल यू टी आई ओ एन जी ई एन लिख लिया अच्छा ये तो बच्चा बताएगा आपकी ब्लड ग्रुपिंग की खोज करी थी वो किसने करी डिस्कवरी बताओ यस यस जिसने ए बी ब्लड ग्रुपिंग की खोज करी थी डिस्कवरी किताब में नहीं है तो मतलब वो आने के लिए देख रहा है कि नहीं है किताब में नहीं मैं और पढ़ रहा अच्छा डॉट पढ़ा तो बताओ बेटा कितने कितने आपको नहीं पता नाम पता है कॉल बैंड पता है आपको ए बी ओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी गई थी कितने कितने कॉल बैंड ठीक है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट वन देखो बेटा देखो आई जीन हैविंग नेक्स्ट वन देखो आई जीन हैविंग आई
जीन हैविंग थ्री एलील्स, आई जीन हैविंग थ्री एलील्स इन द पॉपुलेशन, इन द पॉपुलेशन। और इसी चीज कंडीशन को बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील्स, चाहे ब्लैक में लिख लो मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स, क्योंकि यहाँ पे थ्री एलील होते हैं जीन के, ठीक है? इसके बाद पेरेंट टू, इसके बाद क्या लिखो? जीनो टाइप। और इसके बाद क्या लिखो? ब्लड ग्रुप। किसका? ऑफस्प्रिंग। ऐसे लिखो टेबल टाइप बना लीजिए, ठीक है? अब देखो मैंने तीन टाइप के लिए बताया, लेकिन टाइप करते तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉम्बिनेशन बनाना है ना, तो पहले तो मैं लिख रहा हूं आई ए आई ए आई ए आई ए। इसके बाद एक खाली है, तो तीन टाइप के लिए होगा, देखो एक तो आई ए, एक आई बी और एक सिंगल आई, ये समझ गए? अब देखो अब पेरेंट टू से अगर क्या आएगा आई ए आएगा, बात कौन कर रहा है? इसके बाद एक बार क्या आएगा आई बी और एक बार खाली आई। यहाँ देखो एक बार आई ए, इसके बाद आई बी और खाली आई, इधर जो कॉम्बिनेशन करते हैं, इसके बाद एक खाली है, ये समझ गए आप लोग? अब इसका न्यू टाइप बताओ क्या होगा सर? हां जहां पे इसके ऊपर कुछ नहीं है एलईडी के ऊपर तो वो स्मॉल हो गए। कौन सा? जो फ्लैट नंबर पे और लास्ट पे कौन स्मॉल हो गए, अच्छा ये वाले चाहिए करना, ठीक है? इधर देखो बेटा, अब इसका बताओ जीरो टाइप क्या आएगा? ए, ई तो आएगा, यानी कि आई ए आई ए आई ए, यार क्या होगा? सही है। और इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए, ए। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे दो में क्या कर रहे हैं, अपना कैरेक्टर शो नहीं कर रहे हैं क्या? यहाँ पे देखो दूसरा क्या होगा? आई ए आई, और यहाँ ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पे देखो इसका क्या है, आई ए क्या है और ये क्या है आई ए, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। इसका देखो आई ए आई बी ए, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? ए बी। ए बी तो होगा, ये आप लिख लो यहां पर आई बी, आई बी तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। और इसके बाद ये कौन सा है? आई बी और आई तो क्या होगा? बी बी। और इसका क्या हो जाएगा? ओ। समझ गए आप लोग? तो ये दोनों कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? सोर्स। सही तो लिख लो, अरे लिखो तो पहले इतना बताओ उन्होंने Thank you.
इन द प्रोजेनी। देखिए द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, प्रोजेनी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, जीनोटाइप आर ऑफ पेरेंट्स ठीक है, आर टेकन टू बी हाइट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस अंटिल लेस दे आर स्पेसिफाइड, अंटिल लेस दे आर स्पेसिफाइड। आप लोग बताओ बेटा, अगर हाइड्रोजाइगस कंडीशन तभी तो इसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वरना जैसा करंट का वैसा ही उसका फुल है ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो इनहेरिटेंस आर टोटली बेस्ड ऑन Mendelian principles. मैं तो नोट कम लिखा रहा हूँ ना, इसलिए देख के लिख पा रहा हूँ कि मेन पॉइंट लिखूँ ज़्यादा सही है। इसको फोटो की अच्छी भेज दीजिए, ये सब लिख लेगा। इसको बड़ा लिखना है, लिखवा सब लिखवा। चलो नेक्स्ट टॉपिक कौन पढ़ता है? नहीं छोड़ेगा उसकी बेटा। अब आपको हैंग करो, हैंग करो, डाई हैबिट कॉज, इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग, डाई हैबिट कॉज। इसको हम लोग आप क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, क्या बोलते हैं बेटा, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इसके बारे में पहले आप समझते हैं ठीक है, अभी टाइम कितना होगा, टाइम देखते हैं एक बार, बहुत पूरा चलो चलो ये अरे कर नहीं था आप। देखो इनहेरिटेंस कल तो केमिस्ट्री आपको बात की थी, अब तो मंडे को बात की, मंडे को पट्टी मंडे को एग्जाम से आज नहीं मिट्टी मंडे है 25 दिसंबर है। हां देखो आज आज ना सर आ रहा है, कब की बात है, 25 हाँ सही कह रहा हूँ, तो आपका मंगल को छुट्टी मिलेगा, मंगलवार मिलेगा, जब मंडे को छुट्टी है तो मंगलवार को मिलेगा। तो बेटा आपको 3-4 दिन मिलने हैं, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन लगा लो 3-4 चैप्टर के, कैलकुलेशन के साथ 3 दिन हो रहा है, 4 दिन हो रहा है, 3 दिन हो रहा है, अरे
बताओ क्या करना है। मुझे तकिए के नीचे कुछ रखो, ऐसा बोलते हैं कि रात में कुछ आता है वो दे जाता है मुझे। अरे वो छोटे बच्चे को होता है सपने में आता है और दे जाता है। पेरेंट्स ही देते हैं सब, पेरेंट्स ही देते हैं सब, पेरेंट्स ही करते हैं। मुझे सपने आ जाएगा कंटर मुंह देख के ना, देख के रहते हैं ना, तो सपना आ जाएगा। पेरेंट्स ही करते हैं ऐसा होता है, करते हैं। मगर ऐसा होता है कि वो जो विश होती है उनकी विश, बच्चों की विश, वो पेरेंट्स पूरी करते हैं। अगर जो बच्चा कहता है तो क्या वो रात में देखते हैं क्या लिखा हुआ है? सर ऐसा होता है, पेरेंट्स ही देखते हैं उसमें कि तो पेरेंट्स कर देते हैं। हाँ फिर पेरेंट्स छोटे, अब ये तो एक बहुत बड़ा ड्रामा हो गया, पेरेंट्स वगैरह सब देखते हैं। ऐसा भी वो तो हमारे स्कूल में होता था, वो तो हमने भी लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आपने तबियत नीचे को रख दिया, पापा ने आपके तौर ला के दिया। सर ऐसे कहते थे यहाँ पे, अगर तुम पापा से एक बार पहले भी लिख के दोगे ना कि ये कर लेके आना तो भी देख लिया इसका नहीं कहा। अरे कौन सा सर, मैं भी जा रहा हूँ चौराहे पे, मैं भी जा रहा हूँ साइन सारे ब्लैंक, वहाँ की फाइल पूरी हो जाएगी सारे ब्लैंक पे साइन करूंगा ना, पूरी रहेगी सारी प्रॉपर्टी। मेरे क्लास में क्या है बेटा, ऐसा मत करना। क्या नहीं की बात है, क्यों फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखो इनका डायहार्ड कॉलेज करवाने का मतलब क्या था? अब थोड़ा एक प्लस ऐसा मैंने एक बात और सुनी, मैंने सुना है कि अगर जो होता है दीपावली से पहले वाला दिन धनतेरस, छोटी दीपावली उस दिन कहते हैं जो काम करो तो पूरी लाइफ में नहीं होता है। हमने तो दीपावली की रात को सुना है। दीपावली वाली रात नहीं, एक दिन पहले वाली रात। एक दिन पहले वाली, एक अगर तुम जो काम करोगे उस दिन या उस रात में तो वो तुम्हें पूरी साल में सिर में याद रहेगी। ऐसा तो लोग इस दिन भी कहते हैं फर्स्ट ईयर होता है। हां सभी मम्मी कहती है पढ़ लो बेटा। हां मम्मी कहती है देख लो, पता है मम्मी कहती है पढ़ाई कर लो। मैं तो पढ़ता था लगता था करता था। ऐसा बोलते हैं कि हाँ अगर जैसे दिन में कुछ कर रहे हो तो दिन में कर रहा है जो दिल मान ज्यादा कर रहे हो हम तो रात को तो फिर आपका साल भर उसमें ज्यादा अट्रैक्शन रहता है। ऐसा बोलते हैं आप जमाती आवाज तुमने क्या किया हमने क्या किया तो हमें जमाती आवाज क्या किया बना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जमाती आवाज तुम बोलते बेटा जब हम आपको हमने वाले दीपावली से पहले तो करते हैं हम यार तेरस को टेस्ट दिया वही टेस्ट कर रहे दीपावली बेटा आपको समझ से डायवर्ट बस क्या होता है समझ लो बेटा डायवर्ट क्रॉस होता है डायवर्ट क्रॉस वो मैंने क्यों करवाया पहले सुनो उनके माइंड में क्या चीज आई क्यों मैं डायवर्ट क्रॉस को के बारे में सोचा देखो पता है क्यों बोला देखो यहाँ पे उन्होंने क्या सोचा एक बात सुनो मैं आपको समझा रहा हूँ पहले इस बार हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में किताब में खाली लिखा हुआ है कि मैं समझा रहा हूँ उनका माइंड में क्या थॉट आई होगी उनके माइंड में ये थॉट आई थी
क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। उनने दो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करवा के देखा कैसे, देखो समझो। अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो इनने यहाँ पे क्या लिखा, सीट सेव और सीट का लिखा था, ये देखना ये चाह रहे थे। अब बात करो बेटा सुनो, यहाँ पे ये देखना ये चाह रहे थे। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको नॉर्मली ह्यूमन केस में बुलाऊं, जैसे ह्यूमन केस में जैसे मान लिया अगर किसी की मदर माता जी है, ठीक है, वो काली और लंबी है, कैसी है, काली और लंबी है, और पापा कैसे गोरे गोरे करते हैं, मान लो। अब तुमने उनके बीच क्रॉस करवाया, क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो मेंडल यहाँ पे ये देखना चाह रहे थे कि जो बच्चा गंठा वाला होगा क्या वो गोरा ही होगा, और जो लंबा वाला बच्चा होगा वो क्या होगा, काला। वो ये देखना चाह रहे थे, नहीं था तभी तो इनने इस क्रॉस के बाद इन्हें एक लॉ दिया था, जो बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे कैरेक्टर पर निर्भर नहीं होता। यहाँ पे इन्हें देखा कि अगर लंबा वाला बच्चा है वो गोरा भी होता है, और घंटा वाला क्या होता है, काला, मतलब उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये करवाने का मकसद था, कल इसके बारे में मत करो, ठीक है। तो आप लोग पहले नाम लिखवा दो, बाबू ने पेपर नहीं बंद कर दिया यार।